हेलो एवरीवन टुडे वी विल स्टडी द पॉम रेन इन समर व्हिच इज़ कंपोज्ड बाय हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्ग फैलो द टाइटल सीज दैट हाउ रेन इन समर सीजन गिव्स जॉय टू एवरीवन व्हेन इट इज़ समर जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा सब कुछ जलने लगता है क्योंकि हमारे इंडिया में तो गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ती है और जैसे ही उसमें बारिश पड़ जाती है रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है तो सब लोग खुश हो जाते हैं सब में हैप्पीनेस फैल जाती है चाहे वो बिजी स्ट्रीट्स हो चाहे वो स्कूल से लौटते हुए बच्चे हो चाहे घर में एक बीमार व्यक्ति हो चाहे एक थकी हुई बैल का बैल हो चाहे मेहनती फार्मर हो द अराइवल ऑफ रेन गिव्स जॉय टू एवरी वन ओके सो द टाइटल इज़

इन द ब्रॉड एंड फियरी स्ट्रीट ब्रॉड माने चौड़ी सड़कें फियरी माने यहाँ पर फियरी का मतलब है गर्म और डरावनी स्ट्रीट क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लू चलती है तो स्ट्रीट्स जो है वो बिल्कुल खाली रहती हैं सड़कें खाली रहती हैं और बहुत खाली खाली चौड़ी चौड़ी लोनली सी लगती हैं इन द नैरो लेन चाहे चौड़ी सड़कें हों चाहे पतली गलियाँ हों हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन जब यहाँ पर बारिश गिरती है तो कितनी प्यारी लगती है ओके हाउ इट क्लैटरस अलोंग द रूफ्स क्लैटर इज द साउंड साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ रूफ होती है छत जब छत पर बारिश गिरती है तो कैसे टक 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 आवाज आती है लाइक दैट प्रैम्प ऑफ होप्स होप्स होते हैं घोड़े के पंजे जैसे घोड़ा होता है ना उसके ऊपर एक कवरिंग होती है तो जब वो सड़क पे चलता है तो टक 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 आवाज आती है तो वो कह रहा है जब बारिश छत पे गिरती है तो आवाज आती है और जब वो जैसे कि लाइक ट्रैम्प ऑफ लाइक द लाउड साउंड ऑफ द हुब्स ऑफ हॉर्सेस व्हेन इट मूव्स ऑन द रोड जब वो रोड पे चलता है जो टक आवाज आती है वो उससे मैच करती है हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग फ्लोइंग स्पाउट Osionfish. जब पतली पतली जगहों पर पतली पतली गलियों में या पतले पतले पाइप्स में पानी भर जाता है बारिश होने से और रिवर होने से सॉरी बारिश होने से रेन होने से वो भर जाता है तो इट गशेज आउट बाहर निकलता है वो पतली पतली सड़कों पे पतली पतली नालियों में या पतले पतले पाइप्स पाइप्स में जब पानी का ओवरफ्लो हो जाता है तो इट स्ट्रगल्स आउट वो वहाँ से बाहर निकलता है अच्छा आपने देखा होगा चाहे छोटे पत्थर पड़े हों चाहे कुछ सामान पड़ा हो उसे भी बहाकर वो बाहर की तरफ आ जाता है अक्रॉस द विंडो पेन विंडो पेन होता है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं विंडो है ये विंडो का शीशा है ये विंडो पेन है द विंडो पेन बारिश पड़ रही है विंडो पेन पर इट पोर्स एंड पोर्स टकरा टकरा कर नीचे बह रही है पोर्स एंड पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड और बहुत तेजी से और बहुत चौड़ी काफी दूर दूर तक वाइड विद मडी टाइड और इसी वजह से वहां पर मडी टाइड बन गई है मतलब वहाँ पर कीचड़ बन गया है। like a river down the gutter roads, और इस तरीके की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि गटर यानी कि जो सीवर का नाला होता है ना सीवर का ढक्कन होता है उसके नीचे से नदी बह रही है इस तरीके की रोरिंग साउंड आती है ठीक है द रेन द वेलकम rain रेन the rain. Rain, तुम्हारा स्वागत है रेन तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पोइट को बहुत खुशी दे रही हैं वो कह रहा है कि जब विन विंडो पे टकराती है वहाँ से नीचे गिरती है उसके बाद वहाँ नीचे कीचड़ बन जाता है और सीवर्स में से आवाज़ें आने लगती है कितनी प्यारी है रेन वो रेन को वेलकम करता है आगे बढ़ते हैं द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर सिक मैन मीन्स बीमार व्यक्ति बीमार इन द सेंस कि वो थक चुका है इतनी गर्मी बर्दाश्त करके चैम्बर होता है अपने रूम में से एक व्यक्ति अपने रूम में से लुक्स एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स ब्रूक होती है नदी वो देखता है नदी की धारा पानी की धारा जो वो बहती हुई आ रही है वो अपने कमरे में से देख रहा है ही कैन फील द कूल और मौसम एकदम ठंडा हो जाता है तो वो अब ठंडक महसूस कर रहा है फीवर्ड ब्रेन उसका थका हुआ ब्रेन जो कि गर्मी में झुलसा हुआ अब तक वो बाहर जाता था काम करने और थक जाता था बदन जला जला सा महसूस करता था ग्रोस काम अगेन अब उसका माइंड शांत है एक्चुअली क्या होता है हम लोग गर्मी में ना ज्यादा टकरते हैं और जब बारिश हो जाती है तो वेदर प्लेजेंट हो जाता है और हम सभी बहुत अच्छे सा फील करते हैं एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लैसिंग ऑन द रेन और जब वो सांस ले रहा है ठंडी ठंडी सांसें तो उस वो एक रेन को ब्लैसिंग दे रहा है एक आशीर्वाद दे रहा है उसके मन से भी यही आवाज आ रही है हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन ठीक है फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल पास वाले स्कूल से बच्चे कम द बॉयज लड़के पास वाले स्कूल से लड़के आ रहे हैं विद मोर देन देअर वॉन्टेड साउंड रोज भी छुट्टी के समय वो शोर मचाते हुए आते हैं लेकिन आज जो उनका नॉइज़ है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है एंड कॉमोशन एंड डाउन द वेट स्ट्रीट सेल देयर मे बिक वीट्स और वो शोर मचा रहे उत्साह से भरे हुए हैं और जैसे ही वो स्ट्रीट्स पे आते हैं सड़कों पर आते हैं तो उनकी जो सड़कें हैं वो गीली हैं वो अपनी अपनी पेपर बोर्ड्स बनाकर उसमें तहराते हैं टिल द ट्रेचरस पूल ट्रेचरस पूल मीन्स बहुत बड़ा गहरा लंबा पूल जो नदी बन चुकी है पानी सड़कों में ट्रेचरस पूल ये ये सब ट्रेचरस पूल है बड़ा हुआ फैला हुआ पानी का गुब्बार एंड गर्ल्स दैम इन इट्स वर्लिंग एंड गर्ल्स मीन्स उनको अपने अंदर ले, ले लेता है समेट लेता है वर्लिंग एंड टर्बुलेंट ओशियन वायलेंट ओशियन क्या है पतली सी धार जब बारिश होती है तो पान कम होता है और बढ़ता जाता है वो ट्रेजरस पूल बन जाता है और सब कुछ उसमें मिल जाता है मिट्टी विट्टी सब और एक बड़े ओशन की तरह वो लगता है पानी पूरा भर चुका है बारिश बहुत हो चुकी है इन द कंट्री ऑन एवरी साइड हमारी जैसे हमारी कंट्री है ऑन एवरी साइड दूर दूर तक वे आर फार एंड वाइड जहाँ तक आपकी नजर जाती है दूर दूर तक लाइक अ लेपर्ड स्टोनी एंड स्पॉटेड हाइट जैसे कि लेपड़ की स्किन होती है ब्राउनिश सी कलर की और स्पॉट होते हैं ऐसी स्किन होती है वहाँ उसकी स्किन पे हल्के हल्के से स्पॉट होते हैं तो ज़्यादातर स्किन जो है वो ब्राउनी होती है स्ट्रेचिज द प्लेन अब चलन दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट द पोइट कंपेयर्स द प्लेन ऑफ आर कंट्री विद द स्किन ऑफ द लेपर्ड कह जैसे लेपर्ड की स्किन में ब्राउनिश कलर पूरा फैला रहता है और उसमें बीच बीच में स्पॉटेड हाइड होते हैं स्पॉट्स होते हैं ऐसे ही हमारी कंट्री में दूर दूर तक प्लेन्स फैले हुए हैं प्लेन्स क्या होते हैं एक माउंटेन रीज़न होता है एक प्लेन रीज़न होता है जैसे हम लोग प्लेन में रहते हैं यूपी प्लेन में है टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन अब वो कह रहा है इसी तरह दूर दूर तक बारिश फैल चुकी है स्ट्रेच हो गई है ड्राई ग्रास से लेके ड्राइड ग्रेन तक ड्रायर ग्रेन क्या होती है जैसे फसलें उगी हुई हैं वो अब बिल्कुल सूखी हुई हैं वहाँ पर भी बारिश पहुँच चुकी है स्ट्रेच हो चुकी है हाउ वेलकम इज द रेन ये सब भी इसका रेन का वेलकम कर रहे हैं कितना वेलकम हो रहा है रेन का इन द फर लैंड फरोड लैंड क्या होता है फरोड लैंड का मतलब होता है यहाँ पे क्रॉप्स एक ऐसी जगह जहाँ पर फसलें उगी हुई हैं इन द टॉयलसम एंड पेटेंट ऑक्सन स्टैंड जहाँ पर थकी हारी एग्जॉस्टेड ऑक्सन बैल खड़ी हुई हैं लिफ्टिंग द योक एनकम्बर्ड हेड जिनके सर में माथे पर लकड़ी का कुछ बंधा हुआ है और उनके ऊपर बहुत लोड है उनकी नाक में भी रस्सी पिरोई हुई होती है वो वहाँ पे खड़ी हुई है थकान से भरी हुई है दे साइलेंटली इनहेल और जैसे ही बारिश पड़ती है वो धीरे से सूंघती हैं द क्लोवर सेंटेड गेल क्लोवर होता है उनका जो खाना है उनका जो खाना है उसमें अब खुशबू सी आने लगी है। किस चीज़ की खुशबू मिट्टी की खुशबू आ गई है बारिश हो चुकी है एंड द वेपर दैट अराइज और वेपर जो कि खुशबू मिट्टी से उठती उठती है जैसी बारिश हो जाती है मिट्टी में से एक मीठी मीठी सी खुशबू उठने लगती है फ्रॉम द वेल वाटर एंड स्मोकिंग फ्राम द वेल वाटर मीन्स जिसमें पानी भर चुका है मिट्टी में और जो सॉइल में से स्मोक आ रही है स्मोक क्या है खुशी की खुशबू एक मीठी सी धरती की खुशबू आ रही है वहाँ पे वो सब कौन सूंघ रहा है वो सूंघ रहा है ऑक्सीजन जो अभी थकाहारा खड़ा था फॉर दिस रेस्ट इन द फरो आफ्टर टॉयल पूरी बहुत मेहनत के बाद उसको रेस्ट मिलता है आराम मिलता है फील्ड में खड़े होने के बाद जब बारिश हो जाती है दे लार्ज एंड लस्टरस आई उनकी बड़ी बड़ी शाइनी चमकदार आंखें सीम टू थैंक द गॉड वो ऊपर की तरफ मुँह कर रहा है देखो और वो ऐसा लग रहा है जैसे गॉड को शुक्रिया कर रहा है किस चीज़ का शुक्रिया कर रहा है बिकॉज ऑफ द रेन मोर देन बैंस स्पोकन वर्ड जितना लोग अपने मुंह से नहीं बोल पाते वो अपनी भावनाओं को उससे ज़्यादा व्यक्त कर रहा है सो so, इस स्टेजा में हमें दिखाया है कि जैसे ही बारिश होती है तो थके हारे मेहनती ऑक्सन जो कि खेत जोत रहे हैं वो भी अच्छा फील करते हैं उनके माथे पे लकड़ी का वो बंधा हुआ होता है जिसपे वो हैवी लोड कैरी करते हैं उनकी नॉस्ट्रल्स भी खिंची हुई होती हैं लेकिन उन्हें एकदम से आराम आ जाता है जब वो धीरे से इन्हेल करते हैं क्या इन्हील करते हैं मिट्टी की खुशबू जो खाना वो खा रहे होते हैं उसमें भी खुशबू आ जाती है पूरी पूरी जो उनका मैदान है जहाँ पर वो खेती कर रहे होते उसमें भी पानी भर जाता है और मिट्टी की खुशबू तो उनकी सारी दुकान जो है वो निकल जाती है और ऐसा लगता है उनकी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर की तरफ देखकर भगवान को शुक्रिया कर रही हैं नियर एंड हैंड एट हैंड और पास में ही खड़ा हुआ फ्रॉम द फ्रॉम अंडर द शेल्टरिंग ट्रीज ट्रीज़ के नीचे शेल्टर लेता हुआ द फार्मर सीज किसान देखता है इस पैसचर्स एंड हिस्स फील्ड ऑफ ग्रेन उसके जानवर और उसकी खेत जिसमें कि ग्रेन उगी हुई है अनाज उगा हुआ है एस दे बैंड देर टॉप्स उनकी जो फसलें हैं खड़ी हुई हैं उनका जो टॉप है वो मुड़ जाता है जैसे ऐसे फसलें खड़ी हुई हैं जब बारिश पड़ती है तो उनकी टिप्स मुड़ जाती है नीचे की तरफ हो जाती हैं टू द नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स जब उनके ऊपर पानी की नंबरलेस अनगिनत मूल्य पड़ती हैं ऑफ द इंसेंट्रीन ऑफ द ंटिन्यूस फॉलिंग रेन ही काउंट्स इट एज नो सिन सिन होता है ये कहता है ये कोई बुरी बात नहीं है कोई अपराध नहीं है कोई गलत चीज़ नहीं है कि उसकी फसलें जो है वो मुड़ जाती है दैट ही सीज देअ जो वो देख रहा है जो देखता है ना उसने फसलें उगाई हैं उस पर बूंदे पड़ी और वो मुड़ जाती हैं तो वो कहता है ये कोई गलत नहीं है ओनली हिज ओन थ्रिफ्ट ये भी उसके फ़ायदे के लिए और उसके बेनिफिट के लिए ही है उसकी प्रॉस्पेरिटी और बेनिफिट के लिए ही है क्योंकि फसलें अब और अच्छा उगेंगी बारिश से राहत तो आई आई है साथ में फ़सलें भी बहुत अच्छी उगेंगी क्योंकि उनका अच्छा सा इरिगेशन हो जाएगा सो हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन चाहे वो कोई भी हो वो एक बुरा व्यक्ति हो वो, वो स्कूल से लौटते हुए बच्चे हो वो खाली पड़ी हुई स्ट्रीट्स हो वो फार्मर हो वो ऑक्सन हो या वो आप और मैं ही क्यों ना हो वी ऑल वेलकम द Rain because how beautiful is the rain after the summer season? Okay, children, thank you.